उज्जैन जिले के तराना कांग्रेस जनों ने किया पूर्व कैबिनेट कृषि मंत्री सचिन यादव का स्वागत। मध्य प्रदेश शासन में पूर्व कृषि मंत्री एवं मुंगावली विधानसभा के चुनाव प्रभारी सचिन यादव अल्प प्रवास पर तराना विधानसभा के ग्राम गोलवा बाईपास पर पधारे, जहां पर कायथा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा, पीसीसी सचिव संजय यादव, अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश सचिव शेख यासीन के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान सचिन यादव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से चुनावी गतिविधियों पर चर्चा की। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के प्रयोग से झूठ के दम पर जो सत्ता हासिल की है और प्रदेश के अन्नदाता किसानों के साथ जो छलावा किया है, वही किसान और प्रदेश की जनता इनको उपचुनाव में सबक सिखाने वाली है। झूठ और पैसों के दम पर बनी भाजपा की सरकार अब ज्यादा दिन की नहीं है। इस दौरान कई कांग्रेस जन उपस्थित थे। तराना संवाददाता सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। यहाँ हाईवे पे निकलना हुआ और तमाम ताराना के कांग्रेसी नेता यहाँ पर जुटे हैं, आपका स्वागत किया है, क्या है मामला? तो देखिए, जिस प्रकार से एक उत्साह हमारे जो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार को धनबल के प्रयोग से सरकार बनाई है, आज जो सरकार बनी है, जो सौदेबाजी की सरकार है, और इन लोगों ने जिस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, सभी हमारे सम्मानीय कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे परिवार के सदस्य, सभी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत और शक्ति के साथ में ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस के की पीठ में छुरा घोपने का काम किया, कांग्रेस से गद्दारी करने का काम किया है, ऐसे लोगों को सब लोग मिल करके सबक सिखाने का काम करेंगे। और सबसे ऊपर लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जिन मूल्यों के आधार पर हमारी ये देश की जो नींव रखी गई है, उन मूल्यों को जीवित रखने के लिए अपने पूरे तन मन धन से सभी कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने में सब लोग लगे हुए हैं। कृषि मंत्री रहे हैं, कैबिनेट में आपका बहुत बड़ा दायित्व रहा और आपने किसानों के लिए काम भी किया। मध्य प्रदेश सरकार में कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार आपने जो काम किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका गलत प्रोपेगंडा दिखा रही है और गलत उसका प्रचार प्रसार कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे अभी उपचुनाव के समय में? जिस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में ना पहले कभी किसान था, ना आज है और ना ही कभी भविष्य में होने वाला है। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में देश के इतिहास में अगर किसान कर्ज माफी के कार्यक्रम अगर इस देश में चलाए गए तो दो बार चलाए गए और दोनों बार कांग्रेस की सरकार के द्वारा चलाए गए। पहले बार केंद्र में जब हमारी सरकार थी, जब आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी, मनमोहन जी के नेतृत्व में, हमने पूरे देश के किसानों के 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम किया था। उसी इतिहास को अगर दोहराने का काम किया गया था तो वो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया गया था, जहाँ हमने चरणबद्ध तरीके से विपरीत परिस्थितियों में हमारे किसान साथियों का चाहे चालू खाता हो, चाहे वो कालातीत हो, चाहे सरकारी बैंक से ऋण लिया हो, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लिया हो, चाहे ग्रामीण बैंक से ऋण लिया हो, तब सभी तरह का ऋण माफ़ करने का काम किया और लगभग 27 लाख किसानों का लगभग 11,600 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ़ करने का काम किया है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है इसको नकारते आई है, उसको झुठलाते आई है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो विधानसभा का सत्र गया, उस सत्र में हमारे माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न लगाए थे, उस प्रश्न के उत्तर में जो है सरकार ने जवाब दिया, आधिकारिक जवाब दिया है, ये स्वीकार कर लिया है। और हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की जो मुखिया हैं, उन मुखिया के परिवार के लोगों के हमने ऋण माफ़ किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के परिवार के लोगों के ऋण माफ़ करने का काम किया है। और आज सरकार को बने हुए लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन इस 6 महीने में इतनी महती योजना को सरकार ने आगे बढ़ाने के बजाय उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और पिछले दिनों जो सरकार की तरफ से उनके मंत्री का जो बयान आया है कि ऋण माफ़ी को नहीं आगे किया जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में एक धोखा, एक छलावा है। और निश्चित रूप से इस उपचुनाव के माध्यम से जो है हमारा मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सबक सिखाएगा और आने वाले समय में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व हमारी सरकार बनेगी और दोबारा से हम हमारे ऋण माफ़ी का कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और किसानों को आगे सुख समृद्धि की ओर सरकार ले जाने का काम करेंगे। सच
हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।